हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने नाइन्थ के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा दिया था। अब 3 के पहले से आगे के क्वेश्चन अब आगे कराएंगे। तो देखिए, तीसरे का सेकंड है 0.47 और केवल 7 पर बार है, यदि 7 बार बार आ रहा है तो इसे आप कैसे मानते थे कि माना इस पूरे को हम एक्स मान लेते थे, एक्स बराबर 0.47 पर बार इसे हम लिख सकते हैं, यानी इसे ये जो 7 है ये बार बार आ रहा है, तो ये आप कितनी बार आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं, अनंत तक जाएगा। अब हमने बताया था कि अगर एक संख्या कोई बार बार रिपीट हो रही है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो 10 का गुणा करते हैं। अगर दो संख्याएँ दो अंक, एक संख्या नहीं, यहाँ एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 का गुणा करेंगे दोनों तरफ। अगर मान लो दो अंक बार बार रिपीट हो रहे थे, अगर होते तो हम 100 का गुणा करते, अगर ऐसे तीन अंक बार बार रिपीट होते तो हम 3 का गुणा करते, वो 1000 का गुणा करते। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें, दोनों ओर 10 का गुणा करने पर P हो जाएगा 10x, इधर की साइड तो हो जाएगा 10x, इसमें 10 का गुणा कर देंगे 4777। अब ये 10x हो जाएगा, अब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो एक अंक आगे चला जाएगा 4.777, और आवश्यकता पड़ने पर आप आगे और कितने भी 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने 7 लिखे हैं हमने, 4, तो यहाँ पे भी 4-7 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से फर्स्ट घटा देंगे, समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाने पर तो 10 में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, और जब इसमें से इसे घटाएंगे तो इधर लिख ले रहे हैं 4.7777, ऐसे चलता जा रहा है, और ये है 0.477, ऐसे चलता जाएगा, इसमें से घटाएंगे इधर सभी 0 हो जाएंगे, ये घटाएंगे इसमें से 3 बचेगा और 4 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4.3। एक्स का मान निकालेंगे तो 4.3/9, और अगर यहाँ से आप 1 दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आपका एक 0 आ जाएगा, अर्थात इसका मान कितना था 0.47 पर बार का मान आएगा 43/90। चलो इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरे का थर्ड, इसमें क्या दिया है 0.001 और तीनों पे बार है, तीनों पर है, तो हम इसमें मान लेंगे, माना एक्स बराबर 0.001 और ये 0.001 पर बार है, तो इसे हम बार बार लिख सकते हैं 0.01001001, ऐसे डॉट डॉट करें, जहाँ तक हमें लिखना चाहें कहीं तक भी लिख लो। अब इस समीकरण में कितने का गुणा करेंगे, या कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, यहाँ पर आपकी 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो 3 संख्या होती तो 1000 का दोनों ओर गुणा करते थे। तो समीकरण फर्स्ट में 1000 का दोनों ओर
गुणा, दोनों और गुणा कर देंगे एक हजार का, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1000 गुणा 0.001001001, ये समीकरण दो हो गया। अब इसमें से अभी हो जाए, इसमें गुणा कर ले, 1000x बराबर ये तीन शून्य है तो तीन अंक उधर बढ़ जाएंगे, एक जब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो तीन अंक आगे बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये वाला दशमलव, एक दो तीन अंक आगे जाएगा तो आ जाएगा 1.001001001, ये समीकरण दो हो गया। अब इस वाले समीकरण से इसे घटा दो, समीकरण सेकेंड से फर्स्ट घटाने, तो यहां से ये घटाएंगे तो 999 रह जाएगा, और इसमें से इसे और घटा देना है। अब इसमें से इसे देखो कहां इधर लिख रहा है, ये आपका 1.001001001 ऐसे चल रहा है, और ये वाला कितना था 0.001001 ऐसे चल रहा है, तो इसे घटाएंगे तो इधर तो 0.0 आ जाएंगे, और यहाँ का बचेगा केवल एक बचेगा, जब एक बचेगा तो x का मान हम निकाल सकते हैं 1/999, आता है इसका चेंज होकर क्या आ जाएगा 0.01 का आपका आ जाएगा 1/999। देखिए शुद्ध क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, 0.9999 अनंत तक जा रहा है को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। तो पहले से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या आता है देखो हमें सॉल्व करना है 0.9999 और ये अनंत तक जा रहा है, तो अब इसे करेंगे माना x बराबर 0.999, समीकरण एक मान लेंगे इसे। अब एक संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है तो 10 का गुणा करेंगे, दोनों दस का गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर 0.9999, और इसमें 10 का गुणा कर दे रहे हैं, इधर ही कर दे रहे थे, 10x बराबर 10 गुणा, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा एक अंक आगे बढ़ जाएगा 9.99, इसे समीकरण एक। अब समीकरण दो से एक घटा देंगे, तो 10 में से एक्स गया, इधर से इसे घटा दो 9.9999, अब इसमें से हमें कितना घटाना 0.9999, अब इसी से पॉइंट वाली संख्या घट जाएगी, 9x बराबर कितना बचा 9, ये पॉइंट वाली सभी संख्या घट जाएंगी, x बराबर कितना आ गया 9/9, अर्थात x बराबर आपका आ गया 1। ऐसा इसलिए आया है, अब सुन ले यहां से क्योंकि ये 1.9999 आगे तक जा रहा अनंत तक, और एक और इस 999 के बीच में कोई भी दशमलव की संख्या नहीं है, इसलिए कैसा आ रहा है एक आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन
चार हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया अपनाइए। तो 1/17 का हमें भाग देना है, 17 का भाग देना है 1 में, तो पहले 17 का भाग देते हैं 1 में। देखो 17 का 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे दशमलव लगा करके। अब फिर 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग 10 में जाने वाला है नहीं, तो 0 बढ़ा दशमलव के बाद 0 लगा लेंगे और फिर इधर भी एक 0 बढ़ा देंगे। तो 17 × 5 = 85 बचा आपका 5 और इधर एक चला गया 15, आगे फिर 0 बढ़ा लेंगे 17 × 8 = 136 बचा 4 और एक इधर एक चला गया 10 हो गया, 10 में से 4 6 गया 4 बचा और 4 में से 3 गया 14 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे फिर 17 × 8 = 136 आ जाएगा, दोबारा से केवल 4 बचा फिर 0 बढ़ा लेंगे 17 × 2 = 34 उसके बाद देखते हैं कितना बच रहा है 6 बचेगा, फिर 17 × 3 = 51 तो फिर आपका बचा 9 फिर 0 बढ़ा लेंगे 17 × 5 = 85 फिर आपका 5 बचा और 17 × 2 = 34 फिर आपका 6 यहाँ बचा और 1 यहाँ बचा। इस 16 को भी यहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ बनने वाला है इसलिए इधर लिख दिया मैंने। अब इसमें 0 बढ़ाएंगे, अब 17 × 153 कितना बचा 7 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे 17 × 4 = 68 फिर 2 बचा फिर 0 बढ़ा लेंगे 17 × 1 = 17 3 बचा फिर 17 × 1 = 17 फिर आपका 10 में से 7 गया 3 बचा और 1 इधर 13 बचा और फिर 17 × 7 = 119 फिर आपका 1 बचेगा यहाँ फिर 1 यहाँ बचेगा और देखिए 17 × 7 = 119 11 बचा 0 बढ़ा दिया और 17 × 6 = 102 फिर आपका यहाँ बचेगा 8। इस 8 को भी यहाँ लिख ले रहा हूँ, 8 का 0 बढ़ा दिया और 17 × 68 फिर कितना बचा 2 बचा और इधर गया 1 0 बढ़ा दूँ 17 × 7 = 119 फिर 1 बचा, यानी वही वाला 1 दोबारा आ गया। इसका मतलब इतनी संख्या बार बार रिपीट होगी, ये लिख देंगे नीचे एक लाइन आता है 1/17 में कितने अंक बाद आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 अंक के बाद 17वें अंक में दोबारा से रिपीटेशन होगा।